उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। जो बात दिल्ली तय है, लखनऊ तय है, अब जिस दिन होगा उस दिन हो जाएगा। मंत्री न बनने पर क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सूत्रों के हवाले से कुछ चैनल के साथियों ने खबर चलाई। देखिए, खबर सही होती है राजभवन से कोई सूचना हो या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई सूचना हो तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है कि नहीं ये टल गया क्यों। जब राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई सूचना ही नहीं तो उस पर तो जो सूत्रों के हवाले से खबर जिन साथियों ने चलाई अब तो उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना। दारा सिंह चौहान जो है मंत्री नहीं बन रहे, ऐसा नहीं ना। अब देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का विषय है, अब वो सवाल भारतीय जनता पार्टी से करिए और भारतीय समाज पार्टी से सवाल करिए। तो भारतीय समाज पार्टी, चूंकि मामला मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में जो बातें तय हैं, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जो है सुभाषपा की तैयारी है? भैया देखिए, तैयारी तो हम 80 सीट पर करते हैं जी, ठीक है। अब लड़ने के लिए हमारी कोशिश हो रही है कि 3 सीट मिल जाएगा तो ठीक रहेगा जी। राजभर जी, ये गठबंधन केवल चुनाव को लेकर के है कि क्षेत्र के विकास को लेकर के भी है? देखिए, सच बताऊं कि नेता की भाषा बोलूं, आप जो नहीं, हम सच बोल समझे वो कहिए। अब तक जितने भी गठबंधन हुए हैं, अब तक इधर जो गठबंधन हो रहे हैं, अब अवसरवादिता हो गई है। हम सत्ता में रहे, सत्ता से बचें कैसे, एक तो ये गठबंधन, हम सत्ता में कैसे रहें, एक ये गठबंधन, दो ही गठबंधन है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लक्ष्मी पर, देवी पर किए गए प्रतिक्रिया पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो संविधान को नहीं मानते जी, हम उनकी बात से सहमत नहीं है, वो संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने और की व्यवस्था बाबा साहब ने किया है, और किसी धर्म के खिलाफ उंगली उठाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में कहीं व्यवस्था दे दिया है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।